अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी, आप देख रहे हैं तैयब कश्मीरी ऑफिशियल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डुडियाल में। आज पूरा डुडियाल जो है एक कह सकते हैं फ़ज़ा जो है उसके सुहागवार है। आज अभी भी एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि यहाँ डुडियाल में एक नौजवान है जो इंतहाई मेहनती नौजवान थे, बिजली के लाइनमैन हैं मोहम्मद मनीर मुगल, आज वो अचानक जानबाग हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त भाई सहेल मौजूद हैं, मेंबर प्रेस फाउंडेशन है, तहसील प्रेस क्लब के सबका सदर भी रह चुके हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सहेल भाई, क्या आगे पेशा है जी? अभी जो हमें जैसे ही इत्तला मिली मगरब की नमाज के बाद के मनीर मुगल जो लाइन मैन है मलोट के रहशी हैं, और ये तैयब साहब आपको बताते चले कि जो शहर में बिजली का जो निज़ाम था, इस अकेले नौजवान ने तकरीबन 10 नौजवान जितने ये अकेले काम करता था और बहुत लोगों को सहूलत फराहम करता था। हंसमुख इंसान था, मेहनती था, और जैसे ही इत्तला मिली तो हम भी भागते हुए इधर सरकारी अस्पताल में पहुँचे। तो यहाँ से जो इब्तदाई मालूमात हुई है वो यही हुई है कि जो महकमे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि बिजली हमने बंद करवाई हुई थी और ये डॉक्टर हाशमी प्लाजा के करीब लाइन पे काम कर रहा था, साथ ही जो कारोबारी मरकज़ आया डिक्सी चिकन वाले, उनका बड़ा जनरेटर ऑन था, इन्होंने वो जनरेटर ऑफ़ करवाया जाके और कह भी आए कि हमने थोड़ी देर काम करना है तो इसको ऑन ना करें। लेकिन यहाँ पे जाके जो मज़ीद पता चला है कि फिर उन्होंने कुछ 15-20 मिनट बाद जब जनरेटर ऑन किया तो रिवर्स करंट उसमें गया और ये जो नौजवान है ये अपनी जान की बाजी हार गया। अब ये ज़रूरत इस बात की है तो ये भाई के फौरी तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं फौरी तहकीकात करें और इस नौजवान जी की जो मौत है और जिससे पूरे इलाके की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है, क्योंकि ये नौजवान दिन में हमारे साथ दो चार दफ़ा इसका टुकड़ा बहना रहता था, हर वक्त ये वो लाइनों पे काम करता था, आते जाते सलाम दुआ करता था। तो इसका इंतहाई दुख भी है और अफसोस भी है, और यही है तैयब भाई कि जितनी जल्दी हो सके जो मैं दरान का तयन करके उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए, तो ताकि जो लोगों में इस तरह इस वक्त जो तहसील हेडक्वार्टर में कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और उनके अंदर एक अजीब सी जो है वो कैफियत है, गम की, दुख की और गुस्से की भी कैफियत है, ताकि जल्द इस सारी कैफियत को काबू में किया जा सके। बहुत शुक्रिया तैयब कश्मीरी साहब। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे साथ भाई सुहेल थे, आपने उनको सुन लिया। मैं अब वापस आ गया हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि बाहर लाइट बंद है, लाइट तो काफ़ी देर से बंद थी, अंधेरा भी था, रश भी था अस्पताल में, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं ये खबर सुनते ही, क्योंकि जो मनीर नामी ये जो नौजवान था ये एक इंतहाई बाखलाक नौजवान था और इंतहाई मेहनती था। पूरे डुडियाल शहर में मैंने इससे मेहनती कोई सरकारी मुलाजम नहीं देखा। मैंने इसको आधी रात को 12 बजे, रात को 1 बजे इसको मैंने काम करते हुए देखा, ट्रांसफार्मर उतारते हुए चढ़ाते हुए। ये अकेला होता है, ये इसके साथ एक और बंदा होता है, तो ये इसको मैंने काम करते देखा है, अपनी आँखों के साथ देखा है। तो जब भी मैंने इसको कॉल की तो इसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं छुट्टी पे हूँ या मैं बिज़ी हूँ। तो मैंने इसको जहाँ पूरे डुडियाल शहर से अगर मुझे किसी ने बताया कि यार फलां जगह पे ट्रांसफार्मर का मामला है या कोई लाइन ख़राब है या कोई बिजली ख़राब है, मैं इसको कॉल करता था तो ये कहता था कि बस मैं थोड़ी देर के बाद उस जगह पर पहुँच रहा हूँ, तो ये आके वहाँ पर काम करके जाया करता था। इंतहाई नफीस इंसान था, अल्लाह पाक इसकी मफ़रत करे। तो हमारी भी जो लोगों से बात हुई जो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे महकमे के, उन्होंने भी यही बताया कि जो बिजली जो है वो तो बंद थी, गालबन अभी भी लाइट बंद है डुडियाल शहर की, चार या तीन चार पाँच घंटे हो गए होंगे लाइट बंद हुई हुई, क्योंकि ये काम कर रहा था, इसने लाइट पीछे से बंद करवाई हुई थी। तो जो शफिया अस्पताल के पास जो हाशमी प्लाजा उसके साथ ही जो एक नया डिक्सी ओपन हुआ है, कुछ ऐसा पहले ओपन हुआ, तो उन्होंने अपना कुछ जनरेटर ऑन किया। तो मुझे जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक ये कि उन्होंने इसने वो जनरेटर पहले बंद करवाया है, तो बंद करवा के दोबारा फिर ये काम कर रहा था तो दोबारा उन्होंने इसको ओपन कर दिया। अब वल्लाह आलम उनसे गलती हुई है, जानबूझ के हुए, ये तो आप काम जो है ये तहकीकात करना ये इदारों का काम है, तो इस पर भरपूर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर ये क्यों ये वाक़या रोनमा हुआ, आखिर उन्होंने जनरेटर क्यों ऑन कर दिया, आखिर अगर इसने जनरेटर को बंद करवाया था तो
तो फिर जनरेटर को ऑन करने का मकसद क्या था? जब एक बंदा आपके सामने काम कर रहा है ऊपर, तो फिर उसको ऑन करके वो रिवर्स करंट आ गया, अगर समझ नहीं आ रही रिवर्स करंट आया कैसे, उनने शायद जम्बर उसका जो है वो बंद नहीं किया, इसी तरह जनरेटर ऑन कर दिया। तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तो बाकी इस वक्त घड़ियाल की जो सूरत हाल है, बड़ी फजा जो है सुगवार है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में शहरी जो हैं जो जो सुनता है तो वो फौरन हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस नौजवान की मफ़रत फरमाए और इसके लाहकिन को जो है वो सब्र जमीन अता करवाए।